गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज हम लोग सर्कल के एक्सरसाइज 11A के कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स को देखेंगे और कैसे हम अटेम्प्ट लेंगे, कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हम समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर फोर में कहता है कि इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल पार्ट्स ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द डिस्टेंसेस बिटवीन द कॉर्ड्स इफ दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर एंड सेकंड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और उसमें दो कॉर्ड है, दोनों का लेंथ गिवन है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी है। क्वेश्चन में दो कॉर्ड है एक सर्कल के अंदर और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और दो कंडीशन दे रहा है कि अगर दोनों कॉर्ड सेंटर के सेम साइड हो तब दोनों के बीच का डिस्टेंस और सेंटर के अपोजिट साइड हो तब दोनों के बीच का डिस्टेंस। एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फिगर बनाते हैं कि ये हमारा सर्कल है, सर्कल में सेंटर वो है, एक कॉर्ड ए बी है, दूसरा कॉर्ड सी डी है। ओ से ए को मिलाते हैं, बी को मिलाते हैं, ओ से सी को मिलाते हैं और ओ से डी को मिलाते हैं। तो क्लियर है ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू आर, यानी कि ये चारों सर्कल का रेडियस है जिसका वैल्यू हमको 5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब कॉर्ड ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, कॉर्ड ए बी का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है तो कॉर्ड ए बी का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है तो ए डी पे ओ से परपेंडिकुलर OM अगर डालते हैं तो OM OM क्या करता है, ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में बांट देता है तो इसलिए AM का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। कॉर्ड CD का वैल्यू जो है वह हमारा 6 सेंटीमीटर है, CD का वैल्यू हमारा 6 सेंटीमीटर है। फिर कॉर्ड CD पे O से पैरेलल परपेंडिकुलर CN अगर OM ड्रा करते हैं, O सेंटर से N पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं CD पे तो OM जो है CD को दो इक्वल पार्ट में बांट देता है तो इसलिए क्या हो जाएगा CN का वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखते हैं हम ट्रायंगल OAM, हम पहले से जानते हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा राइट ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहां से हमको वैल्यू OA का पता है और AM का पता है, OM का निकालना है तो OM का वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर OA का स्क्वायर माइनस AM का स्क्वायर और इसका वैल्यू हम सॉल्व करेंगे OA का वैल्यू 5 और यहां पे AM का वैल्यू 4 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 60 तो सॉल्व किए अंडर 9 और 9 के बाद हमारा वैल्यू आ गया 3 सेंटीमीटर, मतलब कि OM का वैल्यू हमारा 3 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या है इन ट्रायंगल OCN, ये OM हो गया, अब OCN OCN ट्रायंगल देखिए OCN ये भी एक राइट ट्रायंगल है जिसमें OC हमको पता है और CN पता है तो OM का वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहां पे OM इक्वल टू अंडर रूट OC का स्क्वायर माइनस CN का स्क्वायर, अब OC का स्क्वायर 5 है, OC इक्वल टू 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 और CN का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 तो 25 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर अगर हम घटाएंगे तो 25 से 9 घटाएंगे तो 16 हो गया और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है इसलिए OM का वैल्यू हमारा क्या आ गया 4 आ गया। OM का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया और हमको क्या पता करना है कि दोनों कॉर्ड का बीच का डिस्टेंस है तो दोनों कॉर्ड के बीच के डिस्टेंस को निकालने के लिए हम सेंटर से दोनों के डिस्टेंस का डिफरेंस निकाल देते हैं तो दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस हमको निकल जाएगा। तो CD का सेंटर से डिस्टेंस क्या है OA और AB का सेंटर से डिस्टेंस OA तो OA में से OM को अगर सबट्रैक्ट कर देते हैं तो MN जो हमारा क्या हो जाएगा वह हमारा दोनों में से सेंटर के दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा जो हमको निकालना है एम एन और एम एन इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ ए माइनस ओ ए माइनस
और इक्वल टू हमारा क्या आ गया 1 सेंटीमीटर। तो अगर दो पैटल कॉर्ड है गिवन क्वेश्चन के आंसर, तो जब सेंटर के सेम साइड पे होगा तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब फिर दोबारा देखते हैं कि जब दोनों कॉर्ड सेंटर के अपोजिट साइड हो, मतलब AB इस तरफ और CD उस तरफ, तो फिर हमारा क्या है कि OA OB OC OD ये सब क्या है, रेडियस है, और जिसका वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। AB का वैल्यू भी हमारे सेंटीमीटर गिवन है, तो AB का वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और CD का वैल्यू अगर 6 सेंटीमीटर है तो CD का वैल्यू हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ट्रायंगल OAM है, OAM है, फिर हमारा OA पता है और AM पता है, दोनों सेम है, तो OM का वैल्यू भी हमारा नीचे की तरह 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। और फिर OCL में, OCL में फिर हमारा OC पता है और CL पता है, तो OA का वैल्यू फिर वाले की तरह हमारा वैल्यू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, OA, क्या आ गया, OA, ये हमारा वैल्यू आ गया OA का वैल्यू। और फिर यहाँ पे हमको क्या चाहिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो M N इक्वल टू N N इक्वल टू OA और प्लस OA, OA और प्लस OA दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस, तो OA प्लस OA 4 और प्लस 3 तो हमारा 7 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। यानी कि जब कॉर्ड सेंटर के एक ही साइड रहेगा उसके दोनों के बीच का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर रहेगा, और जब कॉर्ड सेंटर के अपोजिट साइड में है तो उस दोनों के बीच का डिफरेंस 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहता है कि इन द गिवन फिगर द डायमीटर CD ऑफ सर्कल विद सेंटर O इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, इफ AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड CE इक्वल टू 3 सेंटीमीटर कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सर्कल। एक फिगर दिया हुआ सर्कल का, सर्कल में CD एक डायमीटर है जो कि AB कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है, और हमको सर्कल का रेडियस नहीं पता है, सर्कल का रेडियस हमको नहीं पता है, पता क्या है तो इस कॉर्ड का लेंथ जो कि 12 है और CE यानी कि यहां से यहां तक का लेंथ जो कि 3 सेंटीमीटर है, और हमको फाइंड क्या करना है कि रेडियस सर्कल का निकालना है। तो हमको हमारा गिवन है AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और ये परपेंडिकुलर भी है और सेंटर से भी जा रहा है, मतलब सेंटर से इस कॉर्ड पे ये परपेंडिकुलर है, तो कहने का मतलब कि ये जो है इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि AE का वैल्यू जो हो जाएगा वह AB का आधा हो जाएगा क्योंकि 6 सेंटीमीटर है, और CE का वैल्यू 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमको रेडियस निकालना है। तो हम जानते हैं OE इक्वल टू, यहां पे देखिए OE इक्वल टू क्या हो जाएगा, OC माइनस EC, OE इक्वल टू OC माइनस CE, और OC का वैल्यू क्या है, R है, OC क्या है, रेडियस है, इसलिए R, और CE क्वेश्चन में गिवन है 3, और तब हम क्या कहेंगे कि ये जो ट्रायंगल है OAE ट्रायंगल हम देखते हैं कि AE का वैल्यू AE का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर और माइनस OE का स्क्वायर, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल OAE में AE का स्क्वायर, यहां पे AE है तो इसका स्क्वायर इक्वल टू ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज से जहां पे OA है OA का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर, और OA हमारा क्या है, रेडियस है, तो रेडियस r का स्क्वायर, और OE का वैल्यू यहां पे r माइनस 3 है, यानी कि r माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो r का स्क्वायर r हो गया, और r माइनस 3 का होल स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 6r और प्लस 9 है, इसको ब्रैकेट के बाहर लाएंगे तो इसका सब का साइन चेंज हो जाएगा, तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हो गया, और ये माइनस है तो ये प्लस 6r हो गया, और ये प्लस 9 है तो माइनस 9 हो गया। अब ये 9 जो है इस तरफ आ गया तो क्या हो जाएगा, 36 प्लस 9 और इस r से क्या कैंसिल हो गया, तो बच गया हमारा 6r, तो 6r इक्वल टू 45 हो जाएगा, तो r इक्वल टू 45 बाय 6 हो गया, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 7.5 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी फिगर दिया गया है, कह रहा है कि टू इक्वल सर्किल इंटरसेक्ट इन P एंड Q, दो सर्कल है आपस में इक्वल है और P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अब दो सर्कल आपस में इक्वल है
दोनों का रेडियस सेम है और दोनों दो पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब फिर कहता है कि ए स्ट्रेट लाइन थ्रू पी मीट्स द सर्किल ए एंड बी। पी से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन है जो दोनों सर्कल पे ए और बी पे मिलता है। प्रूव दैट QA इक्वल टू QB, QA इक्वल टू QB हमको प्रूव करना है। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन में चूंकि सर्कल दोनों इक्वल है इसलिए R1 इक्वल टू R2, दोनों का रेडियस सेम हो गया। तो प्रूव QA इक्वल टू QB, QA इक्वल टू QB हमको प्रूव करना है। अब इसका प्रूफ क्या है? क्लियरली PQ इज ए कॉमन पॉइंट। यहां पे अगर P से P को मिला देते हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या है, जॉइंट P टू Q, P से Q को मिला दिए तो क्लियर हो रहा है कि यह PQ जो है इस सर्कल के लिए भी कॉर्ड है सेम कॉर्ड और इसके लिए भी सेम कॉर्ड है, यानी कि कॉमन है, यानी कि दोनों इक्वल है, PQ इक्वल टू PQ। और जब कॉर्ड इक्वल है तो कॉर्ड का हम जानते हैं कि कोई भी अगर सर्कल सेम हो या कॉन्ग्रुएंट हो तो उसमें कॉर्ड अगर इक्वल होता है तो उसका करस्पोंडिंग आर की आपस में इक्वल होगा, यानी कि PQ अगर इक्वल है तो आर पी डी क्यू इक्वल टू आर पी सी क्यू, यानी कि आर पी डी क्यू इक्वल टू आर पी सी क्यू। अब एक और थ्योरम हम पढ़ रहे हैं कि कोई आर एक कोई आर अगर आपस में इक्वल है, कोई आर अगर आपस में इक्वल है तो उसका एंगल जो होता है वह सर्कल पर कहीं भी जो एंगल बनाता है सेम कॉम आर तो वह क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। यानी कि अगर आर इक्वल है तो इसका मेजर भी एंगल का इक्वल होगा, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, यानी कि मेजर ऑफ आर पी डी क्यू इक्वल टू मेजर ऑफ आर पी सी क्यू, यानी कि दोनों आर का एंगल भी इक्वल हो गया। अब मेजर ऑफ पी डी क्यू क्या है, तो पी डी क्यू का एंगल है पी ए क्यू और पी सी क्यू का एंगल है पी बी क्यू। अब चूंकि मेजर ऑफ पी डी क्यू इक्वल टू पी सी क्यू तो यहाँ पे एंगल पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू इक्वल टू एंगल पी बी क्यू, और जब ये स्ट्रेट लाइन सेम है तो इसलिए एंगल पी ए क्यू सॉरी एंगल बी ए क्यू, ये एंगल बी ए क्यू इक्वल टू एंगल ए बी क्यू, एंगल बी ए क्यू बी ए क्यू इक्वल टू एंगल इक्वल टू एंगल ए बी क्यू। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एंगल इक्वल हो गया और ए बी क्यू एक ट्रायंगल है, ए बी क्यू एक ट्रायंगल है जिसका एंगल दो इक्वल है, और जब एंगल इक्वल है तो इसका अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होगा, इसलिए ये एंगल इक्वल है तो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होगा, इसलिए क्यू बी इक्वल टू क्यू ए और क्यू ए इक्वल टू क्यू बी, यही हमको प्रूव करना था। तो आज के लिए इतना ही, 11 से अगर कोई प्रॉब्लम होगा आप लोग को तो पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन नंबर अलग अलग थोड़ा बहुत डिफर कर जाए, क्वेश्चन नंबर चेंज कर जाए, तो जो क्वेश्चन हम बोल के बताया है जो फिगर उसके अकॉर्डिंग आप समझ के उसको समझ सकते हैं, और जो भी दिक्कत होगा आप ग्रुप में या डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 11B का जो थ्योरम सब है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जानेंगे। थैंक यू।